जय सियाराम, हरिओम, जय बिहार, जय जय बिहार। पत्रकार मनीष पे हुआ है FIR। अपने आप को गरीबों का नेता बताने वाले तेजस्वी यादव जी को मजदूरों के लिए मेरा आवाज उठाना पसंद नहीं है, इसलिए बिहार पुलिस ने मेरे ऊपर FIR किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिला है। मतलब कि बिहार में जंगल राज जो है वो अब धीरे धीरे अपनी शक्ल बदल रहा है। मैं पत्रकार मनीष को इस मीडिया के माध्यम से जानता हूं। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक लड़का उठा अपनी सच्चाई से, अपनी हिम्मत से, अपने फायरी जर्नलिज्म से और लोगों के दिलों में जो सच्चे लोग हैं घुसता चला गया। मुझे लगा कि बिहार का एक नया नौजवान जो उठा है वो तस्वीर बदल सकता है और बदल रहा है। उसने एक नई पौध खड़ी कर दी है। चलिए बात करते हैं उन नेताओं के बारे में जो बिहार के नेता हैं, बेशरम हैं, चरित्रहीन हैं और अपने राजनीतिक मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं साबित करूंगा अभी बहुत थोड़ी देर में। ये जो पत्रकार मनीष है उसके ऊपर FIR कर दिया है और उसका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। ये जो बड़े बड़े जो 500 करोड़ 1000 करोड़ के जो हाउसेज हैं टेलीविजन न्यूज मीडिया के जो हैं, उसको क्या मतलब है कि बिहार में जंगल राज है, क्या है उनको? जब कोई मतलब मसालेदार कोई चीज मिलेगी तो दिखा देगा। लेकिन बिहार में जो जंगल राज चल रहा है उसकी शुरुआत तो 3 दशक पहले हो गई थी, लालू यादव के टाइम से हो गई थी। उस पर मैं आऊंगा अभी। बस थोड़ा सा ये बता दूं कि अभी वो कल परसों पिछले दिनों जमानत मिली है एक आर्मी के जवान को। वो आया था अपनी पत्नी और साली के साथ जा रहा था परीक्षा देने के लिए, तो एक दरोगा ने SI ने उसको पकड़ के मारते हुए, आप सबको पता होगा, खींचते हुए रोड पर ले गया था। उसके ऊपर पता नहीं कितनी धराएं लगाई थी, 10 दिन जेल में रखा था। एक कोई तैयब मियां थे, उससे उसका कार का बाहरी का जो विंड स्क्रीन है वो लग गया था, वो व्यू मिरर जो होता है जो बैक देखते। उसके अगले दिन क्या हुआ था कि वो एक दरोगा के बेटे को मारा और हाथ काट के चला गया। तो बिहार में माफिया गिरी है, वहां बालू माफिया है, वहां शिक्षा माफिया है, वहां मेडिकल माफिया है, वहां शराब माफिया है और सब मिल बांट के खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, बिहार को चलाते हैं। जत राज, जत प्रजा तत राजा, वोट दीजिएगा उसको तो कौन नेता बनेगा? ये जो पलटू राम कहते हैं नीतीश बाबू को, कम से कम कूल तो थे। एक बार जब इनकी सरकार आई थी तो शांति थी, थोड़ी सी उन्होंने सुशासन दिखाया था, वहां के अपराध पर थोड़ी सी काबू की थी, लेकिन जल्दी ही नष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, बेकार हो गए, बेकाबू हो गए। अपने शांति का चिलम पी के, शांति का गलत मत लीजिएगा, मस्त रहने लग गए। अरे सुनिए एक बाइट सुनाता हूं। अंदर में बिहार विधानसभा के अंदर में तेजस्वी ने इनको क्या कहा था, आप सुनिए। आप लोग गाली दी थी और फिर किस तरीके से गुस्साए थे। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला है? तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये झूठ बोल रहा है। चरित्रहीनता की पराकाष्ठा है इन नेताओं की, ये मैं कह रहा हूं। नीतीश कुमार को हत्यारा बता रहे हैं मुख्यमंत्री इतने सालों से, सुनिए। महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीर हरण कराने का काम किया, बाल पकड़ के खिंचवाना, साड़ी निकलवाना, विधायकों को नीतीश कुमार जी के इशारे पर लात घूंसे, माँ बहन की गालियां दे करके जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, नीतीश कुमार जी पर थू-थू कर रहा है। लालू यादव जो गाली दे रहे हैं नीतीश कुमार को, आनंद लीजिए। ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर माइनॉरिटी में ही चला गया है, डाइवोर्स होने के बाद से ही पागल हो गया है और हर MLA पर डोरा डालना, नेता पर डोरा डालना, किसी को ये विभाग किसी को वो विभाग। एक छोटा सा लालू जी का और कमेंट ले लीजिए, नीतीश बाबू बनेंगे प्रधानमंत्री, कैसे कमेंट सटायर मार रहे हैं सुन लीजिए। नीतीश कुमार को तो मैंने आसमान में चढ़ा दिया ना, जाने BJP जाने नरेंद्र मोदी, ये तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है ना ये।
और राबड़ी देवी ने तो हद ही कर दी, बहुत गुस्से में थी। ये पलटू कुमार है, नीतीश बाबू अलट पलट जाते हैं, कभी लालू के साथ थे, फिर मोदी के साथ आ गए, फिर लालू के साथ, फिर उल्टा करते रहते हैं। वो चले गए थे फिर जो मोदी के साथ, तो पता नहीं उसी समय का ये बाइट है, वो कह रहे हैं कि तो मोदी जी ले जाए नीतीश बाबू को, नीतीश कुमार बात इतनी सी है कि IRCTC घोटाले में तेजस्वी का नाम आया था। वो 2004 से 2009 तक थे वे लालू जी रेल मंत्री, उस समय की बात है। चारा घोटाले में लालू जी अंदर गए, राजनीति कैरियर चौपट हुआ, नहीं तो उनके रहते कोई और मुख्यमंत्री क्यों बनता। राबड़ी देवी पे कल ही CBI का छापा पड़ा है। इस सबसे लगता है कि बौड़ा गया तेजस्वी और एक छोटा सा डिजिटल मीडिया का पत्रकार मनीष कश्यप पे FIR कर दिया। लेकिन आप सब सुनिए, अगर वो इतना ही छोटा था मनीष कश्यप, तो FIR करवाने की क्या जरूरत थी। मनीष कश्यप, आपसे कहता हूं कि आप बहादुर हैं, आप फायरी हैं, आप में चेतना है, आपकी चेतना जगी हुई है, आप सच बोलते हैं, सच के साथ हैं, सच तक आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, जो भी कोई कुछ बोल सकता है, कर सकता है, आपके समर्थन में मेरे जैसे कई लोग होंगे, हमने तो शुरुआत करी है। और अगर उसे FIR करना है तो पत्रकारों पे करते करते थक जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। खत्म हुई है ना लोगों की, उद्धव ने, वो एक लड़की थी ना महाराष्ट्र में, चिकलिया नाम था, 40 दिन जेल में रखा उसको, शरद पवार जी के बारे में उसने कुछ कहा भी नहीं था, वो मतलब किसी ने कहा था ट्विटर पे तो उसने ट्वीट कर दिया था। वो 48 घंटे एक जेल में रखी थी ना, वो क्या कहते हैं, ममता बनर्जी, एक लड़की को उसने, उसके फोटो पे वो एक बहुत बड़े बाल वाला था कोई फोटो था, प्रियंका चोपड़ा को लगा दिया था ममता जी के। तो पत्रकारों के ऊपर तो होता रहता है। और खैर, केरल की तो बात ही छोड़ दीजिए और तमिलनाडु की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार ही पहुंच गया है, तो अपीजमेंट की है राजनीति उनको, तो अब बिहार के मजदूरों से किसको क्या लेना देना है। बिहार के मजदूर थूके जाएं, मारे जाएं, कूटे जाएं, पीटे जाएं, उनके मुंह में छुरा लगे, पेट में लगे, नाक में लगे, वो उन वहां पे आर्मी आए, वो उसको जेल में डालें, दरोगा के बेटा का हाथ काटा जाए, ये सब क्या लेना देना है उनको, जब तक कि बिहार की जनता उनको वोट देती है, MLA बनाती है, MP बनाती, MP भी बनाते हैं। खैर, अभी तो खैर तेजस्वी की बात हो रही है, सारे MLA MP तो सारे हैं, जो भी जिसमें भी थोड़ी सी सांस लेने की ताकत थी लालू यादव के परिवार में सारे हो गए। अब मुख्यमंत्री उनको बनना है, इसके लिए अब पूरा दर्द दिल दर्द जिगर किए जा रहे हैं, और एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार पर FIR कर दिया है। तो मैं ये कहने के लिए आया हूं कि बिहार की वो मजदूर जनता जो भीड़ में चल के आ रही है, मार खा के आ रही है, छुरे खा के आ रही है, अब तो शायद माफ नहीं करेगी, और चरित्रहीन इसी तरह भौंकते रहे हैं, लेकिन सत्ता के लिए साथ आते रहे हैं। तो इन लोगों की बेशर्मी, इन लोगों की चरित्रहीनता की पराकाष्ठा है, उस पर बात करना बेमानी है, बेकार है। यादव मुसलमान का लेकर के बुरा बाल हटाओ, ऐसे लोग हैं। और बिहार में मतलब 35 सालों से लालू नीतीश, लालू नीतीश, लालू राबड़ी नीतीश, नीतीश को थोड़ा सा एगो प्रॉब्लम हुआ मोदी से तो ले आए मांझी को, फिर खुद आ गए, मतलब, और उसे बिहार की जनता बर्दाश्त करती है, तो करो, करते रहो, मार खाते रहो, गालियां सुनते रहो, भारत के विभिन्न कोनों में आओ, भारत से और भारत के विभिन्न कोनों से आओ बिहार में, और फिर इनको जाकर के वोट दो। ओ यादव है, वो अहीर है, वो सहनी है, वो दीस है, जो बिहार की अस्मिता की बात करे उसके साथ तो खड़े हो जाओ। जंगल राज से जो मुक्ति दिलाए, सोचो ना भैया, सबसे नजदीक में जो तुम्हारा MLA तुम्हारे पास आया है वो किस तरह की गालियां देता है, देख लो ना। बिहार के वो तमाम डिजिटल मीडिया के पत्रकार जिन्होंने मुट्ठी दिखाई है, ताकत दिखाई है, एक साथ आए हैं, उम्मीद है ये यात्रा इनकी जारी रहेगी, ये एकजुटता इनकी जारी रहेगी। अगर विचार में अगर मतभेद भी है तो पत्रकारिता का धर्म सब साथ निभाएंगे और साथ रहेंगे।
मनीष कश्यप पे, राकेश तिवारी पे और भी कुछ लोगों पे एफआईआर क्यों किया गया, क्यों किया गया? अगर हमारे बातों से जो है दंगा भड़क सकता है तो नेताओं के बातों से भी दंगा भड़क सकता है। विधानसभा में हंगामा हुआ, फिर वहां पे आप लोगों ने क्यों नहीं एफआईआर किया? चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मनीष कश्यप का साथ दीजिए, उसका समर्थन दीजिए और बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाइए। जय सियाराम, हरिओम।